से दूर कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच तकरार और बढ़ने के मामले के ऊपर लोक इंसाफ पार्टी के प्रधान सिमरजीत सिंह बैंस ने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस के अंदर बहुत बुरी तरह से जलील किया जा रहा है और उनकी बेइज्जती की जा रही है, उन्हें तुरंत ही रिजाइन देना चाहिए और कांग्रेस पार्टी को छोड़ना चाहिए। बैंस ने कहा, मैं फिर से कहता हूं कि 2022 में पंजाब की जनता सिद्धू को मुख्यमंत्री बनाएगी। सिमरजीत सिंह बैंस ने कहा, नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह में तकरार तो बनता ही है। पहले तो कैप्टन ने उनसे मिनिस्ट्री छीन ली, अब उन्हें किसी भी कमेटी के अंदर नहीं लिया गया। इन सब बातों का नुकसान पंजाब की जनता को हो रहा है। संगरूर में बच्चा बोरवेल में गिरा हुआ है, पर उनकी कोई भी खबर नहीं ली कैप्टन ने, और पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल फेल हो चुका है। सिमरजीत सिंह बैंस ने कहा, जो ओपी सोनी ने बयान दिया है वह बिल्कुल सही दिया है, उन्होंने बिल्कुल सच्चाई बयान की है। पंजाब के अंदर अफसरशाही बेलगाम हुई पड़ी है, पटवारी से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक बुरा हाल हुआ पड़ा है। किसी भी सरकारी दफ्तर में बिना रिश्वत के कोई काम नहीं हो पाता। पंजाब सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। सिमरजीत सिंह बैंस ने कहा, नशा बेचने वाले और पुलिस वाले ही नहीं मिले हुए एक दूसरे से, बल्कि कैप्टन सरकार की लीडर भी मिले हुए हैं। नशा बेचने वाले, पुलिस वाले और सरकार पंजाब का बेड़ा गर्क कर रही है। वही सुखपाल सिंह खेरा के बयान के ऊपर सिमरजीत सिंह बैंस ने कहा, उनको सोचने का नजरिया अलग है और मेरा सोचने का नजरिया अलग है। मैंने अपनी राय पेश की है। उन्होंने अभी 2022 आ चुका है, हम सब पंजाब से नशा लूटखोरी दूर करने के लिए अपनी जान दे सकते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू नू कांग्रेस के अंदर बुरी तरह जलील किया जा रहा, बेइज्जत किया जा रहा। सिद्धू साहब नू मैं पहला भी सुझाव दिता सी, छड़ दिओ कांग्रेस, ना तो बीजेपी फिट ना कांग्रेस फिट, क्योंकि वो पार्टियां ने जिन्हों के अंदर बहुत वड्डी गिनती दे विच भ्रष्टाचार पूरा जड़ां तक फैलिया है। सिद्धू साहब वापस आ जाओ, पंजाब के लोग चाहते हैं कि वो लीडर एक प्लेटफॉर्म तो इकट्ठे हो जाए, जिन्हों वास्ते स्टेट प्रस्ती देशभक्ति है, जिन्हों वास्ते पंजाब सूबे के अंदरों लुट माफिया खत्म करने का एक जज्बा एक शौक हैगा। सो सिद्धू साहब जलील ना होवो, बेइज्जत ना होवो, रिजाइन करो, कांग्रेस तो बाहर आओ। मैं फिर रिपीट करदा कि 2022 दे विच पंजाब दे लोग तुहानू मुख्यमंत्री बनाउणगे, असीं तुहाडे साथी होवांगे सारे। सर, सिद्धू दी मिनिस्ट्री चेंज करके कैप्टन ते सिद्धू विच तकरार होर वध गई, की कहना चाहोगे इस बारे? आ कमेटियां जी नहीं पाया, तकरार तो कला सिद्धू तो कैप्टन के बच्चे नहीं है, तकरार तो कतारबंदी धड़ेबाजी सरकार के बहुत सारे दूजे वजीर के अंदर भी हैगी। लॉस कि हो रहा है, ये पंजाब में लॉस हो रहा है। अज कैप्टन अमरिंदर सिंह लभ्या नहीं, लभद कितने गए हैं पहाड़ियों के उत्ते, बच्चा बोरवैल के गिरया, अज पांचवां दिन हैगा, मुख्यमंत्री साहब को कोई चेता नहीं, स्टेट के हो रहा, लॉ एंड ऑर्डर का जनाजा निकल रहा, स्टेट के लोग तरह तरह कर रहे हैं। सो कांग्रेस सरकार के अंदर जी धड़ेबाजी है ना, पंजाब वास्ते बहुत वड्डी नुकसानदायक है। सर, ओपी सोनी का बयान आया कि पंजाब में अफसरशाही मंत्रियों की हावी हो रही है, तो मैं किसी को डरता नहीं है, चाहे वह सुरेश कुमार ही क्यों ना हो, की कहना चाहिए? बिल्कुल, सोनी जी सच्चाई बयान करके गए, पंजाब के अंदर जी ब्यूरोक्रेसी है, सरकारी अफसरशाही है, बेलगाम हुई हुई है, पटवारी तो लैके चीफ सैकटरी तक, एक होम गार्डियो तो लैके DGP तक बुरा हाल किया है। किसी भी सरकारी दफ्तर के बिना रिश्वत तो काम कोई नहीं, जलील कर कर लोगों को लुटाया जा रहा। सरकारी धिर के जिहड़े MP MLA मिनिस्टर है, उन्हां दी स्टेटमेंट हू सही है, जिथे सरकारी मंत्री MLA MP का ही हाल तो हशर है, उत्थे आम जनता का की हाल तो हशर होगा, बुरी तरह फ्लॉप हो चुकी सरकार है। सर, मुक्तसर के पुलिसकर्मियों का आरोप है कि जिंदली तीन लोग सत्यानाश करने जिम्मेवार है, पुलिस अफसर, नशा बेचने वाले, समय के हकूमती पार्टियां के लोग, यह तिना का नैक्सस पंजाब का बेड़ा गर्क कर रहा है। सर, सुखपाल सिंह कह रहा बयान है कि जो बैंस पर ने ऐलान किया कि नवजोत सिंह सिद्धू को 2022 का मुख्यमंत्री बनावे, यह कहना है बहुत जल्दी है? नहीं, जल्दी 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 उन्हों का तकाजा अपना हो सकता, मेरा अपना है, उन्हों का सोचने का नजरिया अपना, मेरा अपना है, जल्दी नहीं है, 2022 आया खड़ा, असी कतारबंदी करा, असी डर के भजन वाले तो नहीं, असी वो लोग हाँ जोड़े स्टेट प्रस्त हाँ, असी वो जोड़े पंजाब के अंदरों माफिया खत्म करने वास्ते अपने स्वास्थ्य आखिरी सह भी ला देंगे। सो ये जी मैं गल कही है,
बहुत जल्दी नहीं हैगी, समय से चोट है। नवजोत सिद्धू वापस आवे मैं फिर कहना 2022 दे विच उहनूं मोहरे ला के तुरंत असीं उहनूं मुख्यमंत्री की कुर्सी से बिठावांगे तां जो पंजाब दे अंदरों लुट माफिया खत्म किया जा सके, पंजाब दे अंदरों रिश्वतखोरी खत्म की जा सके। खहरा साहब ने यह भी कहा कि बैंस ब्रदर ने एज अ गुड जेस्ट लिया है, क्या तुम गुड कही जाने हो? सुनो मेरी गल, तुहाडा नहीं है, तुहानूं मेरी गल नहीं समझे, नाले तुसीं गुड कही जाने हो, नाले मैनूं सीट का लालच नहीं, नाले क्रिटिसाइज करी जाने हो, एक पासे रहो तुसीं भी। सो जी मैं स्टेटमेंट दी है, मैं ये स्टेटमेंट बड़ी सोच विचार के दी है, वो लोग जिहड़े पंजाब दे अंदरों रिश्वतखोरी खत्म करना चाहते हैं, वो लोग जिहड़े खुद इमानदार हैगे, वो लोग जिहड़े राजनीति नूं पंदा नहीं देशभगति का जज्बा, मैं उन्हां लोगों की गल की थी, वो एक प्लेटफॉर्म से इकट्ठे हो जाए तो पंजाब का भला हो सकता, वो भला करने वास्ते नवजोत सिद्धू नूं कह रहा भी कांग्रेस के जलील ना हो सिद्धू साहब, डर ना, डर ला के परे रख दे, डरपोक ना छड़ दे। आम मैदाने जंग दे विच पंजाब दे लोग अज चाहुंदे आ कि इमानदार लीडर एक प्लेटफॉर्म ते इकट्ठे हो जाए।